Asia Telecom, Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. मित्रांनो, हे सरांची नवीन बुक जे आहे ऍडव्हान्स मोबाईल चिप लेवल रिपेअरिंग सीखे, हे 10 तारखेला लॉन्च झालेलं आहे. हे तुम्हाला घ्यायचं असेल तर हे तुम्हाला ऑनलाईन भेटेल. या व्हिडिओच्या खाली तुम्हाला एक लिंक दिलेली आहे, त्या लिंकला क्लिक करा आणि तुम्हाला हे तिथून परचेस करता येईल. आता या बुकमध्ये तुम्हाला जे आहे ते पूर्ण डिटेल, जे तुम्ही काम करताय किंवा नाही करताय, कंपोनेंट लेवल पासून तर आयसी लेवल पर्यंतचे. हाय दोस्तों, मेरा नाम सोनू सैनी और मैं यूपी से आया हूँ और मैं एशिया टेलीकॉम का स्टूडेंट हूँ. मैं आज आपको बताऊंगा कि मैं आपको यहाँ पे ये बताऊंगा कि जो मोबाइल डेड आ जाता है उसकी बेसिकली चेकिंग कैसे करनी है, उसको ऑन कैसे करना. तो सबसे पहले चेकिंग में हम मोबाइल फोन में क्या चेक करते हैं? सबसे पहले हम चेकिंग में क्या है, इसकी बैटरी चेक करते हैं कि इसके वोल्टेज पूरे हैं कि नहीं. तो जो इस मोबाइल की बैटरी है उसके वोल्टेज चेक कर चुके हैं, तो किसमें वोल्टेज आ रहे थे? 3.7 से अब इसके वोल्टेज आ रहे थे. तो मतलब ये जो चेकिंग होती है बैटरी की, ये बिल्कुल सही है. तो दूसरे नंबर पे क्या चेक करते हैं? दूसरे चेकिंग में हम जो है इसके बैटरी कनेक्टर पे चेक करेंगे कि इसमें हाफ शॉर्टिंग वगैरह तो नहीं है, क्योंकि बेसिकली जो मोबाइल डेड हो जाता है वो हाफ शॉर्टिंग की वजह से भी डेड हो जाता है. हाफ शॉर्टिंग और फुल शॉर्टिंग की वजह से डेड हो जाता है. तो कैसे चेक करते हैं? चेक करो उसको, तो मल्टीमीटर लीजिए और हाफ शॉर्टिंग और फुल शॉर्टिंग कैसे चेक करते हैं बताइए. आपका नाम क्या है? अभिषेक. कहाँ से आए आप? मैं दिल्ली से आया हूँ. दिल्ली से आए, चलिए ठीक है. हाफ शॉटिंग या फुल शॉटिंग चेक करने के लिए हम इसको मल्टीमीटर पकड़ लेते हैं. हाँ, तो यहाँ पर क्या रीडिंग आ रही है? 123. 123. हम दूसरी ओर चेक करते हैं, दूसरी ओर क्या रीडिंग मिलती है? दूसरी ओर हमें या तो एक मिलना चाहिए या सेम रीडिंग मिलनी चाहिए. अगर सेम रीडिंग मिल रही है तो ये हाफ शॉटिंग है. सेम रीडिंग में हमें सेम रीडिंग मिल रही है, इसका मतलब मोबाइल में हाफ शॉटिंग है. और हाफ शॉटिंग मोस्टली पैनलर में लगे कंपोनेंट के कारण होती है, जो कि डायोड या कैपेसिटर होते हैं. अच्छा, अभी से एक चीज और बताओ कि अगर ये मोबाइल फोन सही होता, अगर ये मोबाइल फोन सही होता तो क्या रीडिंग हमें मिलनी चाहिए और कितनी मिलनी चाहिए, और दोनों पे मिलनी चाहिए या एक पे मिलनी चाहिए? अगर ये मोबाइल फोन सही होता तो हमें 150 से 600 के बीच में रीडिंग मिलनी चाहिए, और एक और हमें 1 मिलना चाहिए. और वो जो 250-600 के बीच में जो रीडिंग मिल रही है, तुम बताओ वो कौन सी रीडिंग होती है, किसकी रीडिंग कहते हैं उसको? हम बीबेट की रीडिंग होती है. पर यहाँ पर हमें बीबेट की रीडिंग भी 250 से कम मिल रही है और दोनों रिवर्स रीडिंग मिल रही है. जो ग्राउंड हो गया है जो वोल्टेज है वो ग्राउंड में जा रहा है. मतलब वो, और ये भी हो सकता है. अच्छा, अगर दोनों में बीप मिलता तो क्या वो होता? फुल शॉर्ट होता. अच्छा, जनरली क्या होता है कि मोबाइल फोन में जो टेक्नीशियन होते हैं हाफ शॉर्टिंग को समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि कई बार हाफ शॉर्टिंग में कई कॉम्पोनेंट गर्म भी होता है, कई कॉम्पोनेंट गर्म नहीं होते हैं, और गर्म नहीं होने के चक्कर में उसको ढूंढ नहीं पाते हैं. क्योंकि टेक्नीशियन लोग कहते क्या है, उसे जो है जनरली जब हम जो हाफ शॉर्टिंग होती है उसमें क्या, हम बीप चेक करते हैं. लेकिन कभी कभी क्या होता है, कोई जो कंपोनेंट हमारा लगा हुआ होता है वो या तो लीक हो जाता है, जिसके कारण से या तो वो बहुत अपना जो रेजिस्टेंस है घटा लेता है या बहुत ज्यादा बढ़ा लेता है. अच्छा, वो जो कंपोनेंट ये बता रहा है वो कंपोनेंट किस कनेक्शन में लगा होगा जबकि ये प्रॉब्लम आएगा? वो कंपोनेंट पैरेलल कनेक्शन में लगा होगा, उसको चेक करने के लिए हमें पैरेलल में लगे डायोड या कैपेसिटर को निकाल कर चेक करना पड़ेगा. रेजिस्टेंस घट गया है या बढ़ गया है. मतलब हमें बेसिकली वो जो पैरेलल कनेक्शन है, जो कि पैरेलल कनेक्शन में सबसे ज्यादा क्या लगे होते हैं, पैरेलल कनेक्शन में सबसे ज्यादा डायोड या कैपेसिटर. अच्छा, ये बताओ कि जैसे कि जनरली हमने ये देखा कि पैरेलल में कैपेसिटर और डायोड क्यों लगे होते हैं, बाकी सीरीज में लगे कंपोनेंट पे क्यों नहीं हाफ शॉर्टिंग आती है? पैरेलल में जो भी कंपोनेंट लगाए जाते हैं, जैसे हमारे कैपेसिटर और डायोड, वो जनरली जो है प्रोटेक्शन के लिए इधर लगाए जाते हैं. प्रोटेक्शन के लिए कौन सा कंपोनेंट होता है दोनों में से? प्रोटेक्शन के लिए हमारे लिए डायोड होता है. डायोड होता है, प्रोटेक्शन में काम करता है. और जो कैपेसिटर बेसिकली काई के लिए लगा जाता है? फिल्टर करने के लिए लगा जाता है. पर दोनों आपके जब फुल शॉर्ट हो जाते हैं तो मोबाइल फोन शॉर्ट हो जाता है. चलिए ठीक है, बट यहाँ पर ये लीक हो गया है. अच्छा, ये बताइए कि आपने ये तो ढूंढ लिया, ये पता है कि आपका डायोड होता है और कैपेसिटर होता है, तो वो कैसे चेक करोगे कि वो लीक हो चुका है बिना निकाले? इसके लिए क्या है, हम जो कंपोनेंट है उस पर वही रीडिंग आनी चाहिए जो हमने बैटरी कनेक्टर के दोनों में दोनों चेक करी. तो वो जो हम चेक करेंगे उस विधि को हम कौन सी विधि बोलेंगे? कॉल टेस्टिंग. कैसे, बताइए. अच्छा, इसमें हमने चेक भी कर चुका है, तो इसमें हमने क्या पाया चेक करने के टाइम पे, बताइए? चेक किया था, इसमें रीडिंग जो आ रही है 120 से ऊपर आ रही है. 120 के ऊपर आ रही है. एक बार दिखा दो फिर से वो जो रीडिंग आ रही है. तो आपको मैं रीडिंग क्या आ रही है, इसमें रीडिंग आ रही है आपकी 123, और दूसरी ओर भी 123 आएगी, 123 124 के राउंड आएगी.
ठीक है, मतलब वही 150 के नीचे आ रही है, 250 से नीचे आ रही है, इसलिए और दोनों उड़ा रही है, और दोनों उड़ा रही है, दोनों उड़ा रही है। अच्छा, अब इसमें हमने क्या चेक किया था, उसमें हमने क्या चेकिंग की थी वो डायरेक्ट बता दो। इसमें हमने चेक किया था कि इसमें जो हमारा एक डायोड है यहाँ पर पावर आईसी के साइड में लगा हुआ डायोड है, दिखा देते हैं। देखिए दोस्तों आपको अगर, हाँ बताइए, यहाँ पे ये जो डायोड है ये डायोड शॉर्ट लीक हो गया है, हाँ। जिसके कारण ये अपना रेजिस्टेंस को इसने बहुत कम कर दिया है। इस डायोड को हम निकाल देंगे तो हमारा मोबाइल फोन ऑन हो जाएगा। चलिए पहले डायोड को चेकिंग बताइए कि कैसे आपने पता चला है कि डायोड लीक हो गया है, कैसे चेक किया आपने? डायोड को चेक करने के लिए हम कॉल टेस्टिंग करेंगे। कॉल टेस्टिंग में रेड प्रोब को ग्राउंड पे रखेंगे और दूसरी प्रोब को हम डायोड पे टच करेंगे, तो हमें वही रीडिंग आनी चाहिए जो रीडिंग हमें, ये देख रहे हैं आप 124 रीडिंग आ रही है, जो रीडिंग हमें मीटर पे ऊपर आ रही थी पहले, ये वही रीडिंग आ रही है हमें। ये देखिए 124, ये वही सेम रीडिंग है जो हमें रिवर्स मोड पे मीटर पे चेक करने पे आ रही थी, और ये आपको तभी मिलेगी जब आप उस पर कोल्ड टेस्टिंग करेंगे। कोल्ड टेस्टिंग करेंगे तो अभी हम इसमें क्या करें, वो डायोड निकाल दें, वो डायोड निकाल देंगे तो हमारा मोबाइल फोन ऑन हो जाएगा। तो चलिए चलो अब हम वो डायोड निकालते हैं। चलो तो चलिए दोस्तों अब हम यहाँ से ये निकालेंगे डायोड, हम यहाँ पे SMD यूज कर रहे हैं। चलिए निकालिए, पेस्ट लगा लीजिए, निकल गया। चलिए यहाँ पे दिखा देते हैं, देखिए यहाँ पे अब वो डायोड निकाल, हमने निकाल दिया। अब वो डायोड कहाँ रख दिया तुमने? ये रहा डायोड, तो ये डायोड यहाँ पे लगा हुआ है जैसे कि आप देख रहे हैं, इधर ये डायोड निकाल के रखे हैं, देखिए ये डायोड है। तो अब हम यहाँ पे कोल्ड टेस्टिंग करेंगे। मल्टीमीटर लाओ, मल्टीमीटर दो जरा, यहाँ पे हम कोल्ड टेस्टिंग करते हैं। तो यहाँ पे हमने मल्टीमीटर को इस तरह से रख लिया। चलिए अब हम वापस वो कोल्ड टेस्टिंग करेंगे, ये सही नहीं है पीछे, चलो बीप मोड वाला मल्टीमीटर लो। तो देखिए हमने यहाँ पे 20 इसको बीप मोड पे रख दिया है। अब यहाँ पे हम इसको चेक करेंगे, तो उसी पर कोल्ड टेस्टिंग करो, उसी डायोड पर। ये मैं थोड़ी उंगली कैसे रख लो ताकि हमें दिखाई दे, यहाँ पे पैलर में लगाया क्योंकि एक जरा ग्राउंड है, दूसरी ओर रखो। थोड़ा और अच्छे से क्लीन चेक करो, यहाँ पे भी पड़ी है, दूसरी ओर चेक करो, देखो यहाँ पे अभी भी 119 आ रहा है। मतलब इसके पास में लगा हुआ ये वाला डायोड भी हम एक बार चेक कर सकते हैं। ये डायोड चेक करो जरा, अब यहाँ पे एक बार वो चेक करो बैटरी पे, रीडिंग चेक करो, अभी भी 100 पर, अभी बार वो वाला डायोड और चेक करते हैं, ये वाला डायोड और चेक करते हैं, ये वाला डायोड और निकालो, ये वाला डायोड और निकालो, देखो अभी इस पे भी आ रहा है ना, तो ये वाला डायोड भी निकालो, निकालो तो ऐसे में और अच्छा मजा आता है जब काम एक के बाद एक होता है, तो ऐसे में क्या है ना वो मिलती है कि हाँ यार फेक नहीं है। निचला डिस्प्ले को भी फर्क पड़ सकता सर, निकल गया। अब हम यहाँ पे फिर से जैसे आपको दिखा देते हैं, हमने दो डायोड निकाले हैं, आप चाहें तो इन डायोड को लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते क्योंकि पहले लगे हुए। चलिए अब हम इसको चेक करेंगे,
तो देखो, देखिए दोस्तों यहाँ पर रीडिंग आ गई है 368 जो आपकी बीबेट की रीडिंग है, अब दोनों पे आ गई है। अब इसकी हाफ शॉटिंग दिखाइए। चलिए अब इसको हम हाफ शॉटिंग में चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक जगह पे यहाँ पर एक आएगा, अब देखिए एक आ रहा है, दूसरी जगह पे हम चेक करने पर यहाँ पर बीबेट की रीडिंग आ रही है। वेरी गुड। चलिए इसको अभी पर हम चालू करके देखेंगे, इसको चालू करके देखो, डीसी मशीन से चालू करो। हाँ तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मल्टीमीटर में देखिए यहाँ पे सॉरी डीसी सप्लाई मशीन में रीडिंग आ रही है। और यहाँ पे हम अपना मोबाइल फोन ऑन करेंगे, ये देखिए मोबाइल फोन हमारा ऑन हो गया। और सबसे देखने वाली बात यह है यहाँ पे देखिए हाफ शॉटिंग भी हट गया है, हमारा एम्पियर का रीडिंग भी हमारा परफेक्ट आ रहा है, जो 40 जो अबव आता था 2 एम्पियर 1 एम्पियर वो भी नहीं आ रहा, और ये बिल्कुल सही हो गया है। तो इस तरह से हम अपनी हाफ शॉटिंग को निकाल सकते हैं। चलिए ठीक है, बैक टू पवेलियन आ जाते हैं। तो आप अच्छा आप ये बताइए, तो अब मुझे शुरुआत से बताइए स्टेप वन से कि आपके पास में जब डेड फोन आया तो कैसे कैसे आपने चेक किया बताइए। सबसे पहले हमारे पास एक डेड फोन आया, हमने उसकी सबसे पहले बैटरी चेक करी, बैटरी की वोल्टेज उसकी 3.7 वोल्ट से अबव आनी चाहिए, 3.7 वोल्ट आनी चाहिए, वो ओके थी। उसके बाद फिर हमने उसकी शॉर्टिंग चेक करी, हाफ शॉर्टिंग है या फुल शॉर्टिंग है, उसको चेक करने के लिए हमने उसकी वीबैक के कनेक्शनों पे चेक किया। उसकी शॉर्टिंग चेक करने के लिए हम दोनों कनेक्टरों पे रेड प्रोब और ब्लैक प्रोब रखेंगे। तो उसके बाद उसमें रीडिंग शो कर रही थी जो कि 120-124 ऐसे समथिंग थी, जबकि वहां पर रीडिंग आनी चाहिए थी 250 से अब और 600 के अंदर वो भी रिवर्स मोड पे आनी चाहिए थी, और वन साइड आनी चाहिए थी, सेकंड साइड नहीं आनी चाहिए थी, जबकि यहाँ पर सेकंड दोनों साइड रीडिंग आ रही थी। तो हमने ये देखा कि दोनों साइड रीडिंग आ रही थी, तो हमको लगा कि इसके अंदर डायोड है पैरेलल में, जो हाफ शॉटिंग होती है मोस्टली पैरेलल कंपोनेंट से कारण होती है, जो कि डायोड या कैपेसिटर हो सकते हैं। तो उसमें वो दोनों तरफ बीप बजाते हैं क्या डायोड और कैपेसिटर चेक करने पर? नहीं, दोनों तरफ बीप नहीं बजाते, वो एक तरफ बीप बजाते हैं, एक तरफ रीडिंग देते हैं, मतलब तो पैरेलल होते हैं। मतलब बेसिकली वो डायोड और हाफ शॉटिंग में, मतलब आप ये कह रहे हैं कि फुल शॉटिंग में वो दोनों तरफ बीप बजाएंगे, फुल शॉटिंग में दोनों तरफ बीप, मतलब पूरे शॉर्ट हो जाएंगे, पर हाफ शॉटिंग में वो एक तरफ लीक हो जाएंगे, एक तरफ बीप देंगे एक तरफ रीडिंग देंगे। हाँ, तो हाफ शॉटिंग में बेसिकली कंपोनेंट लीक होते हैं, लीक होने का मतलब क्या होता है, लीक होने का कि कंपोनेंट क्या हो जाता है लीक होने के बाद? लीक होने का कंपोनेंट अपना रेजिस्टेंस जो होता है या तो ज्यादा घटा देता है या बिल्कुल बढ़ा देता है, जिसके कारण कंपोनेंट लीक हो जाता है। और उसको चेक करने के लिए हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हमारी वीबेट पे सब कितना रेजिस्टेंस आ रहा है, अगर उसपे 124-123 के करीब जितना भी आ रहा है एक्यूरेट रेजिस्टेंस, हम कोई भी डायोड या कैपेसिटर पे हमें मिल सकता है। और कौन सी विधि यूज करेंगे उसके लिए? हम कोल्ड टेस्टिंग करेंगे। अगर किसी डायोड पे, जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पे 2 डायोड पे सेम रेजिस्टेंस आ रहा था, तो हमने उन दोनों डायोड को रिमूव किया। तो पहले तो हमने पहला डायोड निकाला तो हमारी हाफ शॉटिंग रिमूव नहीं हुई, लेकिन जब हमने दूसरा डायोड निकाला तो उसके बाद हमारी हाफ शॉटिंग रिमूव हो गई और हमें वीबेट जितना रेजिस्टेंस मिलने लग गया। अच्छा, वो डायोड लगाने की जरूरत है क्या दोबारा? नहीं, वो डायोड लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डायोड जो है पैरेलल कंपोनेंट है, वो खाली सेफ्टी के लिए लगाया जाता है, बिल्कुल एज अ सेफ्टी। उसको आप लगाना चाहो तो लगा भी सकते हो, या तो आप उसको ऐसे भी छोड़ दोगे तो भी वो चल जाएगा, जैसे कि हमारा चालू हुआ, जैसे कि हमने उसे छोड़ दिया तो हमारा फोन चालू हो गया नॉर्मल कंडीशन में। अच्छा, अब ये भी बताओ कि अगर मान लो मैं ऐसी कोल्ड टेस्टिंग से ये चेक नहीं करना चाहता, तो अभी कौन सी दूसरी ऐसी टेस्टिंग है जिससे मैं चेक कर सकता था, बताओ? अगर हम मोबाइल को जो है मोबाइल की हाफ शॉटिंग जो है अगर कोल्ड या फुल शॉटिंग या हाफ शॉटिंग दोनों तरीके से निकालना चाहते हैं, तो हमारे पास जो है एक मैजिक बॉक्स है, इसके जो इससे हम किस तरीके से निकाल सकते हैं? तो हाँ बोलो ना, तो हमें क्या है, इसके दो कनेक्टरों को जो है बैटरी कनेक्टर पे दोनों को लगाना होगा, और हमें एक पेस्ट लगाना होगा आसपास जितने भी लिक्विड पेस्ट आता है उसको जो है सारे कंपोनेंट्स पे लगाना होगा। और जब हम इसको जो है कनेक्टर पे लगाएंगे तो वो बेसिकली वो कंपोनेंट बबल छोड़ने लगेंगे, धुआं छोड़ने लगेंगे, तो हम जो है उन कंपोनेंट्स को रिमूव कर सकते हैं और हमारी हाफ शॉटिंग रिमूव हो जाएगी। तो क्या है ये मैजिक बॉक्स? तो आज मैं आपको जो है पहले भी आप लोग जो है इसकी वीडियो देख चुके हैं, और मैं आपको फिर दोबारा से दिखाना चाहता हूँ कि इसमें है क्या। ये क्या है, 4 वोल्ट की बैटरी है केवल, ये खाली कोई मैजिक बॉक्स नहीं है, ये सिर्फ एक 4 वोल्ट की बैटरी है जो कि हम बैटरी से कनेक्ट, जो कि हमारे मतलब एक बैटरी की तरह ही है जो कि हमें फोन को ऑन करने के लिए चाहिए 4 वोल्ट मिनिमम। तो ये डायरेक्ट बैटरी को लेना, बट आपको यहाँ मोबाइल की बैटरी को लेके वो नहीं करना है कि आप उसका BSI सर्किट ओपन कर रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं, ये सब नहीं करना है। आप नॉर्मल ये वाली बैटरी आप दिखा दो, पास से दिखा दीजिए,
नॉर्मल आप ये वाली बैटरी को आप यूज खरीद सकते हैं बाजार में, जो आपको मिल जाएगी 10-15 रुपए की, और जिसको आप जो आपको तार भी थोड़े यूज करें तो थोड़े मोटे तार आपको यूज करने हैं इस तरह से, और जिस तरह से आप इसको हाफ सॉर्टिंग और फुल सॉर्टिंग को निकाल सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए, और अगर आप यहाँ इंस्टीट्यूट में पढ़ना चाहते हैं तो 28 तारीख का जो है नेक्स्ट मंथ से बैच है, आप यहाँ पे पढ़ने के लिए आ सकते हैं। चलो थैंक यू वेरी मच। जैसे ही आप इस एप्स के अंदर आप और जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा एशिया टेलीकॉम का लोगो, और यहाँ पे आपको मिलेगा देखिए जो सबसे पहले पेज में आपको खुलते साथ में आपको यहाँ पर मॉडल 1, मॉडल 2, मॉडल 3 आपको, और ये हर दिन में अपडेट होंगे, इसमें मॉडल 4, 5, 6 भी इसमें अपडेट होते रहेंगे। तो यहाँ पे आपको सब मिल जाएगा। हम बात करेंगे पीसीबी की पहचान, आपको मोबाइल हिस्ट्री की जानकारी, आपको बिग लेवल आईसी कार्ड लेवल की जानकारी, डिजिटल मल्टीमीटर कैसे यूज करते हैं, एसएमडी मशीन को कैसे यूज करते हैं, सोल्डिंग क्या होता है उसको कैसे करते हैं, मोबाइल वाटर डैमेज, हम बात करें बैटरी के बारे में, या सॉर्टिंग क्या होता है उसको कैसे पहचानते हैं, सॉर्टिंग क्या देखा जाता है, तो सारी चीजें यहाँ पे लिखी गई हैं, और ये चीजें आपको हिंदी में मिल जाएंगी, मोबाइल टेस्टिंग, कोल्ड टेस्टिंग, तो यहाँ पे आपको सब मिल जाएगा। अब देखिए आपको करना क्या है, आपको नेविगेशन जो आपको दिख रहा है आपको क्लिक करना है, आपको इस तरह का पेज मिल जाएगा, और इस पेज में आपको तमाम चीजें मिल जाएंगी। जैसे अभी हम थे फ्री मोबाइल ट्रेनिंग, जैसे मैं बात करें इसी को क्लिक करने पर हम यही वाले पेज में हम वापस आ जाएंगे। अभी हम नेविगेशन का आने में 1 या 2 सेकंड का वक्त लगेगा, देखिए आ गया है। अब हमें क्लिक करना है कॉम्पोनेंट टेस्टिंग, अब हम कॉम्पोनेंट टेस्टिंग में जैसे ही जाते हैं तो यहाँ पर आपको सारे कॉम्पोनेंट की जानकारी नॉर्मल और असेंबली दोनों की अलग अलग दी हुई है, हिंदी की अलग दी है, इंग्लिश की अलग दी है, अगर आपको उर्दू आती है तो आप इसको उर्दू में भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें नॉन पोलर कैपेसिटर उनको कैसे चेक किया जाता है, तो ये मैंने इंग्लिश में बताया हुआ है, और ये आपके नॉर्मल कॉम्पोनेंट है, यहीं पर हमने हिंदी में भी, और यही बात हम बात कर रहे हैं कि असेंबली कॉम्पोनेंट भी हमने बताया हुआ है, जैसे असेंबली रजिस्टर किसे कहते हैं तो इसकी टेस्टिंग हम जैसे कि देख लेते हैं। यहाँ पर आपको असेंबली रजिस्टर की टेस्टिंग मिल जाएगी, देखिए असेंबली रजिस्टर यहाँ पर, और इसकी पहचान की अगर हम बात करें किस तरह के दिखते हैं असेंबली रजिस्टर, तो यहाँ पर वर्क में हम क्लिक करेंगे, और जैसे हम क्लिक करेंगे यहाँ पर हमें देखिए इसका सिंबल दिख गया है, और यहाँ पर ये काले कलर के जैसे आपको दिख रहे हैं, तो ये कंप्लीट आपको एक पूरा फुल किताब जैसा यहाँ पर आपको पूरा नॉलेज दिया गया है, इसका चेकिंग सारा चीज यहाँ पे आपको मिलेगा। यहाँ पे केवल आपको हार्डवेयर नहीं आपको सॉफ्टवेयर भी देखने मिलेगा, मैं आपको बता देता हूँ। हार्डवेयर पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपको नेविगेशन पे आना है जो 2-1 सेकंड में आ जाता है, और उसके बाद में देखिए हार्डवेयर में सारी जानकारी दी गई है, यहाँ पर प्रत्येक प्रायः हर सेक्शन को यहाँ पर डाला गया है, उसकी चेकिंग डाला गया, जैसे रिंगर की हम बात करें रिंगर को कैसे चेक करते हैं, तो देखिए रिंगर को हमने यहाँ पर खोला, और यहाँ पर जैसे रिंगर का यहाँ पर प्रॉब्लम क्या क्या कि रिंगर की रिंगटोन साउंड ना बजना, एमपिक्रिया वॉइस कॉल के दौरान लाउड स्पीकर का ना बजना, तो यहाँ पर सारी चेकिंग उसकी दी हुई है जो कि हिंदी और इंग्लिश में है। अगर आपको ट्रांसलेट करना है अपनी भाषा में उर्दू या किसी और भाषा में, तो आप नीचे जाइएगा और ट्रांसलेट टू एनी लैंग्वेज में क्लिक कीजिएगा, और यहाँ से अपनी भाषा चुन लीजिएगा, और ये यहाँ से इसको कन्वर्ट कर देगा। तो सॉफ्टवेयर की जानकारी है वो भी इसमें डाली गई है, फ्लैशिंग किसे कहते हैं, मोबाइल रिसेट किसे कहते हैं, तो सारी यहाँ पे आपको डाटा मिल जाएगा, स्टॉक रोम, कस्टम रोम, ये सारी चीजें यहाँ पे किसे कहते हैं। तो यहाँ पे आपको टूल मिलेंगे जैसे FRP अनलॉक टूल, बायपास टूल, बहुत सारे जो ऐसे हिडन टूल हैं, और ये बेसिकली कि यहाँ पे फ्लैशिंग के बारे में आ गया, ये अभी पूरा हिंदी में इंग्लिश में है, आप इसको हिंदी में कर सकते हैं, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में भी ये कंटेंट दिया हुआ है। तो यहाँ पर टूल के बारे में सब जानकारी दी है, MI का टूल, सैमसंग का टूल, यहाँ पे सारे ड्राइवर दिए, ADB यूनिवर्सल ड्राइवर फॉर ऑल एंड्रॉइड डिवाइस, मिनिम तो हम बात करें मिनिमल ADB टूल, MediaTek का ड्राइवर, तो ये ड्राइवर वन क्लिक इंस्टॉल हो जाते हैं, साथ में इसमें इसकी जानकारी दी गई हुई है, और इसके साथ में मैं आपको बता दूं कि ये ड्राइवर टेस्टेड ड्राइवर है, और ये डालने से जो आपका ड्राइवर वाला काम है ये पूरा करता है। यहाँ पे हम बात करेंगे रिसेट में हम जाएंगे, तो इस तरह से बहुत सारे इसके पेजेस हैं, आप पेजेस में जा सकते हो, कौन कौन से मोबाइल रिसेट करना हमने बताया, रिसेट क्या होता है सब बताया है, रिसेट सैमसंग, तो आपको अगर मोबाइल ट्रेनिंग अगर आप सीख रहे हैं तो आपको हर छोटी छोटी चीजों का नॉलेज होना चाहिए, MI को कैसे रिसेट करना है, VIVO, HTC, आईफोन, विंडो, ब्लैकबेरी, तो सारी फोनों का रिसेट यहाँ पे बताया गया है, और वो भी फोटो के साथ, और स्टॉक रूम यहाँ पे तो सब आपको मिल जाएगा, और ऊपर वाला मेन्यू में अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर होम, गूगल, और ये हमारे स्टूडेंट का जो टेस्टिमोनियल है ये आपको देखने यहाँ पे मिलेगा, तो जो यहाँ पर यहाँ से हमारे से पढ़कर जाता है और उसके बारे में हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, और जो उन्होंने हमें राय दी है वो हमने यहाँ पे लिखी हुई है। तो दोस्तों ये एप्स को आज ही डाउनलोड करें, इस एप्स को डाउनलोड करने के लिए आपको करना क्या होगा, आपको गूगल प्ले स्टोर में जाना होगा और यहाँ लिखना होगा एशिया टेलीकॉम। जैसे आप एशिया टेलीकॉम टाइप करेंगे थोड़ा आप नीचे जाइए और यहाँ पर आपको मिल जाएगा फ्री मोबाइल ट्रेनिंग वॉल्यूम 1,
और जैसे आप इसको इंस्टॉल करेंगे, जैसे आप इसको ओपन करेंगे आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। इसकी लिंक नीचे वीडियो के में दी गई है, आप जैसे वहां पे क्लिक करेंगे डायरेक्ट ये वाले पेज में आ जाएगा। केवल 2 MB का ऐप है और ये केवल 2 MB के ऐप्स को डाउनलोड करने से, इंस्टॉल करने से आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी और इससे आप काफी कुछ सीख पाएंगे। Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description. दोस्तों नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आपने मेरी बुक जो मोबाइल फ्लैशिंग सॉफ्टवेयर में मैंने बनाई है उसको आपने परचेस किया होगा। दोस्तों उसको परचेस कीजिए, इसमें मोबाइल फ्लैशिंग का बहुत सारा ज्ञान है और इसमें से बातें लिखी नहीं गई हैं, इसमें चित्रों के साथ में बताई गई हैं स्टेप बाय स्टेप कि अगर कोई ड्राइवर किस तरीके से आप इसको ड्राइवर डाल सकते हैं, कौन से CPU की किस तरह से पहचान होती है या फिर मोबाइल में किस तरह से फ्लैशिंग की जा सकती है, तो सारी चीजें इसमें बताई गई हैं। इस बुक को खरीदने के लिए आपको लिंक नीचे मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपने मेरे मोबाइल रिपेयरिंग ऐप्स डाउनलोड करने हैं तो गूगल प्ले स्टोर में जाइए, लिखिए देवेंद्र अग्रवाल, और मोबाइल रिपेयरिंग से संबंधित वीडियो सर्च करना है तो यूट्यूब में जाइए, लिखिए देवेंद्र अग्रवाल या लिखिए एसर टेलीकॉम। दोस्तों ज्ञान असीमित है, ये आप पर है कि आप उसको कितना पाना चाहते हैं। तो भी मेरे को 6-7 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप भी यहाँ पे आके ऐसा लगा कि वो सारा 6 साल का एक्सपीरियंस जीरो है। तो मतलब वही सारी चीज जब आपने यहाँ पे सीखी, तो आप अगर यही चीज 6 साल पहले सीख लेते हो तो क्या होता? बहुत कुछ हो जाता है सर यहाँ पर, मतलब कुछ अलग लेवल में बैठे रहते थे, अलग लेवल में बैठे रहते हैं। कि आप लंदन से यहाँ कैसे डायरेक्ट इंडिया में, वो भी जबलपुर में, बताइए। मेरे को वहाँ पे कोई इतना 1 महीने में कोई मिलना है, मेरे को 1.5 महीने की छुट्टी है, तो ये वही सब आप बाबा चले जाएंगे, चले जाएंगे, तो फिर मेरे को 1 महीने के अंदर आप कोई नहीं सिखाने वाला है, तो यहाँ एशिया टेलीकॉम सिखा रहा है। मतलब ऐसा तो नहीं कि हम आपको पैसे दे रहे हो? नहीं सर, पैसे वाली बात नहीं है, मेरी भी दुकानदारी होगी सर, 10 साल हो गए मेरे को भी। अब जब कहीं मेरे पास कुछ भी नहीं आता था बनाना, लाइट सेक्शन चार्जिंग सेक्शन, मैं देखते ही रहता था, वैसे भी अपना काम दूसरे मोबाइल वालों के पास लेके जाता था काम कराने के लिए, वहाँ पे भी टाइम लगता था। आप दूसरे की दुकान पे टाइम लगाने के अच्छे आप यहाँ भी आके टाइम 1 महीना आप लगाओगे तो आप अपनी लाइफ में कामयाब हो जाओ। देखिए सर, जैसा सोचता था उससे भी बढ़कर मिला यहाँ पर आने पर, बहुत अच्छा अच्छा सिखाया गया है यहाँ पर, जो वीडियो देखते थे उससे भी अच्छा सिखाया गया है। तो ऐसा तो नहीं कि आपने जो रिव्यू देखा वो फेक हो? नहीं नहीं, 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 ये तो नहीं। दोस्तों मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता क्या मचा दे। तो इंडियन मोबाइल इंस्टीट्यूट कौन है? थैंक यू वेरी मच। बच्चे लोग से आप जब सवाल करते थे और जब वो बोलते थे तो ऐसा फील होता था कि वो दिल से बोल रहे हैं, ना कि फेक। वो ऐसा हो जाता है सर कि बच्चे लोग को देख के लग जाता है कि हाँ ये जेन्युइन है, जो भी लोग आउटपुट है जो भी बोल रहे हो वो दिल से है, तो वो सर टच हुआ सर। मतलब कि सीधी सी बात है, एक छोटी सी बात कहूंगा कि सर PCB जो होती है ना, हमारे मदरबोर्ड जो होता है मोबाइल का, उसको देखने का नजरिया चेंज है। हाँ बिल्कुल सीरियसली, इसको अब वो चीजें नहीं रही कि मतलब कि ऐसे बाय लक चल गया तो चल गया ना, वो चीज नहीं है। अब कंफर्म हम काम कर सकते हैं और जो फॉल्ट आएगा पर्टिकुलर सेक्शन पे वर्क कर सकते हैं। बिल्कुल पर्टिकुलर सेक्शन पे है। पहले तो ऐसे मतलब कि सेक्शन कोई सेक्शन में प्रॉब्लम है और ढूंढ के नहीं रहे हैं, सही बात, पता नहीं चलता। मतलब हमारे पास कोई डेड मोबाइल आया तो हम यही सोचते थे कि क्या करें, कहां से शुरू करें, तरीका नहीं पता सर, वे नहीं पता था, अब रास्ता पता चल गया कि प्रॉपर वे क्या है। अभी किसी ने भी मतलब कि अगर अपना सॉरी मिरेकल वगैरह में जितने भी क्रेडिट चाहिए या उसको अपडेशन करानी है वो मेरे से भी करवा सकता है, और हमें तो सर्वर भी मिल गया। तो ऐसा भी हो रहा था, फेसबुक भी आ रहा था जो तरक्की बना रहा था, अच्छा मोबाइल बना के लिए टेक्नीशियन लोग, तो उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते थे कि यार कुछ तो हमको भी सपोर्ट कर दे, तो ऐसा लगता है हम सपोर्ट करेंगे उनको। आपने इवन नेपाल के स्टूडेंट के रिव्यू देखे होंगे, तो मैं यहाँ पे गए हुए जो 2-3 स्टूडेंट थे उनसे बात भी किया मैंने, कैसा है क्या है, नॉलेज लिया मैंने। हाँ वो बोलते थे अच्छा है, हाँ जाओ तो सब कुछ बना लोगे, अच्छा देते थे, तो लगता था एक हिसाब से हाँ वीडियो देख के नॉलेज ले। इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन है? पहले
पहले के और आपके में कितना अंतर है? बहुत फर्क है सर, बहुत फर्क है। अभी नेक्स्ट सेट कौन सा आया था सर, रिपेयर करो तो रिपेयर कर सकते हैं बिल्कुल, वो आ गया कॉन्फिडेंस, रिपेयर कर सकते हैं बिल्कुल, वो आ गया कॉन्फिडेंस। सो इसमें और ये भी है कि बिना कोई पैड निकाले, बिना कुछ किए हम उसको निकाल के आईसी को रिवॉल्व करके चेंज करके भी कर सकते हैं, फॉल्ट फाइंडिंग भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। क्या कर रहे हैं अभी आप? सर इसका ईएमएमसी और सीपीयू निकाल करके दोबारा लगाया, दोबारा लगा और मेरे को अच्छा लगा कि आया पर रिजल्ट मिल रहा है लोगों का। हर फीडबैक वीडियो में फॉलो करता था, हर चीज मैं देखता था, उसके बाद सर मैं यहाँ पर आया, मेरे को पता लगा जो इंस्टीट्यूट 6 महीने 7 महीने 7 महीने नहीं सीखा पाते वो यहाँ 2 दिन की डेमो क्लास में मैंने सीख लिया। चैनल फॉलो कर रहे मतलब हम बोले सर ने हमें पैसे नहीं दिए हैं, बोले मेरा दिल उड़ रहा है मतलब हाँ, क्योंकि हम भी बहुत ज्यादा अटक चुके हैं, मतलब सभी भी बोलते हाँ हमें बोलना है कि हमें ये बोलना नहीं, जो हम बोल रहे हम खुद का बोल रहे, कोई हमें प्रेशर नहीं है कि नहीं तुम्हें बोलना नहीं है, बोलना नहीं बोलेंगे तो नहीं बोलेंगे, बोलेंगे तो मतलब हमें ऐसा फील हुआ, हमें लगा हम कोई भी काम कर सकते हैं। तो मैंने फिर सोचा कि कोई अच्छा रहा सुना जाए, तो मैंने फिर वीडियो देखा और यहाँ पे आया, तो फिर चलिका उनको चुना। तो आप सर 100% सर्टिफाइड है, अब यहाँ से जाकर सर मैं बिल्कुल काम कर सकता हूँ और हर फाइल को फॉलो कर सकता हूँ सर। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक अच्छा सा सवाल डाल सकता हूँ, उसमें मैं अपना जीवन व्यतीत कर सकता हूँ, आगे चल के मेरा हो सका तो मैं अच्छा सा स्कूल हो सकता हूँ, लेकिन सबसे पहले अपने ऊपर काम की व्यवस्था दूँ तो मैं हर एक फाइल को फॉलो कर सकता। यहाँ पे आने के बाद वो इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं कि मतलब कुछ है, हाँ कुछ कर सकते हैं अपन। हमारा भी पहला दिन था सर, हमने भी पूछा था, हाँ तो हमको भी लगा यार, तो हमको भी कुछ नहीं समझ लगी इसके अंदर। हाँ एक बार जैसे आप क्लास में हो गए आपको लग जाएगा जितना काम किया है वो कुछ नहीं था, और देखो मैंने अच्छा ये सर सुना, ये सर ये सारी चीज आपने फिर सुनी कल? हाँ सर, कल नए बच्चे जो आए थे। अच्छा मेरे को यहाँ पे सबसे बढ़िया ये लगा सर कि पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, स्टूडेंट के साथ में मतलब ना पेन कॉपी कुछ नहीं है, ओनली फॉर प्रैक्टिकल है सारे। सर मैं काफी दिन से आपकी वीडियो देख रहा था और मैंने देखा कि यहाँ पर काम बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, और मैंने और भी स्टूडेंट का रिव्यू लिया और मैंने यहाँ पर आकर सबसे पहले मैं और सभी जो स्टूडेंट थे बाकी बैच के उनसे भी बात आपके बारे में पूछा, तो उन्होंने सबने बोला कि हाँ यहाँ पर बहुत बेस्ट सिखाते हैं। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आने के लिए तैयार भी हो गया और आया और मैंने देखा कि जो मैंने सोचा था उससे मुझे ज्यादा ही मिला। वो तो पहले तो हम लोग मोबाइल का मैकेनिक बोलता था, मैकेनिक जो डिस्प्ले निकालने वाला, वो चार्जर कनेक्टर निकालने वाला, वो मैकेनिक नहीं होता है, जिसका वो अंदर का उसका सप्लाई ट्रेसिंग उसका कंपोनेंट के बारे में पता होना चाहिए, वो जो इधर आके सीखा, जो इधर आके सीखना सीख सकता है। इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन है? Amansun 1001 and 2008 Certified Institute, Asia Telecom, Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description. Amansun 9001 and 2008 Certified Institute.